आओ मूव लगा दूं? नहीं मूव नहीं, कुछ परमानेंट इलाज ही करना पड़ेगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बैक के लिए। अपनी बैक का दर्द आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, सिर्फ एक्सरसाइज। आज हम जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक पेन के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे बॉडी का वार्म अप। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, अभी कुछ साल पहले मेरे को बहुत बैक में पेन था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर ने उस टाइम पर बोला था कि अगर आप अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपका जो बैक पेन है वो सीवियर होने से बच जाएगा। बट इतना ज़्यादा बैक पेन था मेरे को कि मैं सीधा एक बार नीचे अगर बैठ जाती थी उखड़ू, तो फिर मैं सीधी नहीं हो पाती थी, रो के ही सीधा होना पड़ता था, इतना बुरा पेन था। तो डॉक्टर ने फिर भी कहा कि आप मेहनत करके करिए इसको, 6 महीने में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। देखिए कोई मैजिक नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आपने बस एक दिन किया हो गया, आपको कंटिन्यूसली इसको करना है। तो पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं वार्म अप। और ये जितनी भी वार्म अप की जो एक्सरसाइज हैं ये बहुत ज़रूरी होती है करने के लिए आपको मेन एक्सरसाइज से, नहीं तो आपकी जो बॉडी है उसमें आपके बैक में स्ट्रेन आ सकता है। तो बेटर होगा कि आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करें। तो यहाँ पे जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये इनके सेट होते हैं, आप 5-5 मिनट कर सकते हैं। या और ये जो जैसे मैं अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में मेन में मैं पंजों पे खड़ी हुई हूँ, जो ये पहले एक्सरसाइज है मेरी, तो ये मैं 10 सेकंड का लगा के चलती हूँ कि मुझे 10 सेकंड तक अपने पंजों पे खड़े रहना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। और ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार आप कर सकते हो, जैसे भी आपकी बॉडी अलाउ करे। शुरू में कम करेगी तो कम करना है, बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाना है अपने टाइम को, जो वार्म अप के टाइम को। और यहाँ पे ये जो कर रही हूँ मैं, ये है, इसको बोलते हैं ताड़ासन। तो पहले राइट हैंड साइड की तरफ से करना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले लेग से करना है। तो इस तरह से हम अदल बदल के 5 से 6 बार करेंगे, जितना भी आपकी बॉडी आपको उस टाइम पे अलाउ कर रही है। स्ट्रेच नहीं करना है, अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं करना है, इतनी ज़्यादा देर नहीं करना है, तो आप उसको टाइम को कम भी कर सकते हो। ये वाली मैं 15-15 सेकेंड के लिए करती हूँ, हर एक लेग पे स्टैंड करती हूँ 15 सेकंड के लिए, फिर चेंज करते हैं इसी तरह से। और मैं आपको बता दूँ, ये भी जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मैंने एक साथ इतनी सारी एक साथ शुरू नहीं की थी। वार्म अप तो उतना ही है, बट जो मेन एक्सरसाइज है वो मैंने धीरे धीरे करके अपने डॉक्टर की सलाह पे ऐड की हैं। शुरू में कम हो पाता था तो कम टाइम के लिए करती थी, अब धीरे धीरे जैसे कई साल हो चुके हैं करते करते, तो मैंने अपना टाइम बढ़ाया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ताड़ासन कर रहे हैं। और इन एक्सरसाइज को करते करते मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी बैक में पेन है, जिस दिन आपकी बैक में पेन है तो आप करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूस अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और तो फिर अभी हम यहाँ पे हमारा वार्म अप चालू है, तो धीरे धीरे करके अब हम जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना होता है। तो पहले राइट हैंड को ऊपर करेंगे और राइट हैंड को ऊपर करके पीछे से लेफ्ट जो लेग है आपका उसको ऊपर करना है, यानी अपोजिट साइड में आपको करना है और बैलेंस बनाना है 10-10 सेकंड के लिए मिनिमम। और जितना ज़्यादा आप ये कर सकते हैं उतना आप टाइम आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 15 सेकंड के लिए कर सकते हैं इसको बैलेंस, तो आप 15 सेकंड के लिए कीजिए। और इस तरह के आप 5 से 6 बार आप कर सकते हैं। तो ये आपका बॉडी का पोस्चर ठीक करने में आपका बहुत हेल्प करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे बैक पेन होता है वो हमारे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से भी होता है। तो ये जो आपका ये वाला जो पोज है ये आपकी बैक को, जो आपके पोस्चर है उसको ठीक करने का काम।
अब यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को, इस तरह से जैसे बेबी पोज जो होता है उसमें लेके जाएंगे और अपनी हाथ को आगे निकाल के थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच करने की और रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज करते हैं। अब हम पैरों को 10-10 times क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक ही पैर को, फिर हम दूसरा वाला पैर भी स्टार्ट करेंगे, उसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर हम अपने दोनों पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10-10 times। आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बस आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए कि बस मैं आज ही कर डालूं और फिर 10 दिन की फिर छुट्टी, फिर कर रहे हैं फिर 10 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस करना है ये काम। और एक ज़रूर बात जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आपके बैक में पेन होता है तो कारण आपका बेले फैट भी होता है। जितना आप अपना पेट के आसपास का वेट, जो चर्बी है, वो कम रखेंगे तो आपकी बैक पेन में भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो यहाँ ये वाला सेट हमें 10 times करना है मिनिमम। शुरू में आप 5 बार से भी स्टार्ट कर सकोगे कि 5 बार सिर्फ ऊपर नीचे जाना है, और धीरे धीरे करके आपको 10 times तो करना ही करना है इसको। ये बहुत अच्छा होता है बैक पेन के लिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा पहले भी कि आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको करना है, और शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ तक अगर हो सके पॉसिबल आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज ना करके आप लेट आफ्टरनून में एक्सरसाइज कीजिए। उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ी नेचुरली वार्म हो जाती है, इतनी स्टिफ नहीं रहती जितना मॉर्निंग में रहती है। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जिनको बैक में पेन रहता है। वैसे आप अर्ली मॉर्निंग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस आपने कुछ खाया ना हो 2-2.5 घंटे पहले तक। हल्का फुल्का ले सकते हैं, बट ये नहीं आपने पूरा पेट भर के खाया हुआ है और आप तब एक्सरसाइज कर रहे हो। उसके लिए आपको 2 घंटे का वेट करना होगा अगर आपने अपना लंच कर लिया है उस टाइम पे। अब हम फिर से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे हर एक एक्सरसाइज के बाद। ये करना होता है आराम से, आप अपने जो घुटने उनको खोल लीजिए और अपनी एड़ियों पे बैठना है लाइक अ बेबी पोज, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ अपने हाथों की तरफ स्ट्रेच करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, जो जिससे आपको, अगर आपको बैक पेन है उससे आपको स्टार्ट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपकी बॉडी में जो बैलेंस होता है आपकी बॉडी का, आपकी जो लेग शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, लेग स्टिफ हो जाते हैं, ऊपर नहीं उठते हैं, ये आपके हैमस्ट्रिंग जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आपको सिर्फ अल्टरनेटिव आपको अपने लेग उठाने हैं ऊपर, हाथ अपने साइड में रखने हैं अपनी बॉडी के, सर नीचे रखना है, और सिर्फ 10-10 seconds के लिए आपको 1 by 1 अपने लेग ऊपर उठाने हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ऐसे आपको उठाने हैं अपने लेग। सिर्फ अपनी बैक पेन में हमें रिलीफ मिल जाए उसके लिए कर रहे हैं। हमें ऐसे
बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है, बिल्कुल बस सिर्फ आप शुरुआत कीजिए और आपके पोस्चर, आपका एक्सरसाइज का जो है, आपका योगा का जो पोस्चर है, वो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। बस आपको अपनी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं छोड़नी है एक्सरसाइज में। अब हम हाथों को उठा रहे हैं 5-5 सेकेंड्स के लिए ऊपर, लिमिट आप अपनी बढ़ा सकते हैं, आप 10 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं, और इसके मैं सिर्फ 3-3 सेट्स करूँगी ऊपर लेने, जिससे कि हमारे शोल्डर भी थोड़े ओपन अप हों। अब दोनों हाथ को उठाना है, वो भी सिर्फ 5-5 सेकेंड्स के लिए, आप 3 टाइम्स कर सकते हैं। जस्ट किसी भी एक्सरसाइज को आप 3 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए, जितना भी आपका बॉडी अलाउ कर रही है वो करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा फिर से मन हुआ फूल सूंघने का, ये यहाँ पे लगा हुआ है, नाइट जैस्मिन बोलते हैं इसको, चमेली भी बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे जो है इसको सूंघने के बाद अब मैं फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। इसको बोलते हैं कोबरा पोज, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस, प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप इसको करेंगे ना तो आपको बहुत बहुत रिलीव मिलेगा आपके बैक पेन में। और इस तरह से मैं ये करती हूँ, जो मेरा क्या रूटीन होता है, जब नीचे के वाले पोस्चर में होती हूँ उसको मैं 1 मिनट तक कंटिन्यू करती हूँ, फिर ये जो ऊपर उठने वाला था पूरा एकदम हाथ पे स्ट्रेट करने वाला, इसको मैं हाफ मिनट तक करती हूँ, यानी 30 सेकेंड्स तक करती हूँ, और फिर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम इस पोज को मैं 1 मिनट तक कंटिन्यू करूँगी, और फिर इसको 1/2 मिनट तक पूरे हाथों पे खड़ा होना है और फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से आप इसको 5 से 6 बार इसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और एक बार और ध्यान रखना गाइस, जब भी आप ऊपर जाते हैं, जैसे इसमें जा रही हूँ मैं, पूरे अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए हैं, तो आपके लेग पीछे से खुल जाने चाहिए, नहीं तो आपको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। और जब आप नीचे वाला करते हैं तो फिर आपको अपने पैर मिला लेने हैं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट में अभी बताती हूँ जब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे मैं खड़ी हुई, तो उसमें मेरे पैर इतने वाइड नहीं है पीछे से ओपन, तो अभी पर जब मैं ऊपर जाऊंगी तो मेरे पैरों में थोड़ा गैप आ जाएगा, जिससे कि मैं अच्छे से बेंड हो पाऊँ ऊपर। और यहाँ पे मैं ये वाला पोज जो है ये 1 मिनट के लिए कर रही हूँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 15 सेकेंड से भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा के आप इसको 1 मिनट तक ला सकते हैं। यहाँ पे अगेन से रिलैक्स करेंगे, थोड़ी सी अपनी बैक को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, और अगर आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली करते हैं तो आपके बैक पेन में आपको बहुत रिलीव मिलेगा। बट आपको अगर मन में कुछ संशय है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे लास्ट में बटरफ्लाई पोज, ये लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है, ये आपके जो आपके घुटने हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, और पर स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। शुरू में
आप इसको हाफ मिनट से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसको अप टू 3, 4, 5 मिनट्स जैसे भी आपको अलाउ करे आपकी बॉडी, इसको आप कर सकते हो। और अब यहाँ पे हम अपने लेग स्ट्रेट करके ऐसे कदम ताल करेंगे, बिना पैर को आगे से मूव किए। अपने जो आपके रखे हुए हैं ये, बस सिर्फ अपने ऊपर के हिस्से को ऐसे चलाना है इसको। आपको देखने में जितना आसान लग रहा है कि बस बैठ के ऐसे पैर ऊपर नीचे करने, ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। ज़रा एक बार आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। फिर अपने थोड़े से पैर आगे पीछे कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। यहाँ पे फिर वीडियो एंड होगा और आपकी एक्सरसाइज एंड होगी। इस पूरी एक्सरसाइज को करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी देर, कितने कितने सेट कर रहे हो। और अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद हम अपने इसको रिलैक्स करेंगे। और ये भी स्ट्रेचिंग आप 15 15 सेकंड के लिए, 10 10 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।